आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क यह है क्या। अगर हम इसकी बात करें तो यह नेटवर्क राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। इसे एनआईसी नेट भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसे एनआईसी नेट भी कहते हैं। एनआईसी सेंटर पूरे भारतवर्ष में फैला है और भारत सरकार द्वारा यह स्थापित किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एनआईसी की बात कर रहे थे तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करता है। ये किसके अधीन कार्य करता है? यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन ये कार्य करता है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत के सभी वेबसाइटों यानी जितने भी वेबसाइट हैं उनका डेवलपमेंट और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का कार्य करता है। यह भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय रीढ़ यानी नेशनल बैकबोन का भी कार्य करता है। ठीक, नेशनल। आगे और ई गवर्नेंस में मदद करता है और ई गवर्नेंस में क्या करता है, मदद भी करता है, सपोर्ट करता है। आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित नेटवर्क, ठीक है, यानी निक नेट द्वारा भारत के सभी राज्य मुख्यालयों यानी स्टेट हेडक्वार्टर और जिला मुख्यालय यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को परस्पर जोड़ा गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना की बात करें तो एनआईसी की स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। एनआईसी की स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। आगे हम बात करते हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क यानी राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। तो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क यानी NKN भारतीय नेटवर्क को मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग करने के उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो भारतीय नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, जो सुरक्षित यानी सेफ और विश्वसनीय यानी रिलायबल कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम, यानी रिलायबल कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम है। संपूर्ण भारत के सभी शैक्षिक यानी एकेडमिक और ज्ञान नॉलेज आधारित संस्थाओं इंस्टीट्यूट को उच्च गति, मतलब अगर इसका देखा जाए तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है उसको सपोर्ट करना, उच्च गति क्षमता यानी 1 Gbps से अधिक वाले संचार माध्यमों यानी कम्युनिकेशन मीडियम को परस्पर जोड़ने में इस नेटवर्क का उपयोग किया था। इस नेटवर्क का उपयोग किस लिए किया गया, सारे संसाधनों को जोड़ने में किया गया। भारत के लिए ज्ञान की रीढ़ यानी नॉलेज बैकबोन का कार्य, एक तरह से बैकबोन का कार्य करती है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क करता है। जैसे हमारे शरीर में बैकबोन का काम क्या, शरीर को सीधा रखना, यानी अगर हम बैकबोन हटा दें तो हमारा शरीर बेकार हो जाए, सेम उसी प्रकार ये नॉलेज का बैकबोन है। ठीक है, इसके मदद से हमारा जो है एक राष्ट्रीय नॉलेज की जो परंपरा है उसको इन्होंने बनाया, इसको बढ़ाया। अब राज्य वाइड एरिया नेटवर्क की हम बात करें, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये है क्या। अगर हम बात करें इस नेटवर्क द्वारा भारत के सभी राज्य यानी स्टेट्स के मुख्यालयों यानी हेडक्वार्टर्स, जिला मुख्यालयों यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और ब्लॉक मुख्यालय यानी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को जोड़ा गया, जो एक सुरक्षित यानी सेफ तथा उच्च गति कनेक्टिविटी यानी हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है, यानी क्या करता है, ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी का कार्य ये करता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और देखते हैं। अगर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसको SWAN भी बोलते हैं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क में संचार माध्यमों यानी कम्युनिकेशन मीडियम के लिए 2 Mbps यानी 2 Mbps मिनिमम बैंडविड्थ निर्धारित किया गया, यानी इसके लिए स्पीड निर्धारित कर दिया भैया कि 2 Mbps स्पीड आपकी होगी। आगे यह रीढ़ नेटवर्क यानी बैकबोन नेटवर्क है, यह भी आपका बैकबोन नेटवर्क है जो भारत सरकार द्वारा 2005 में स्थापित किया गया। इसे कब स्थापित किया गया, इसे 2005 में स्थापित किया, किसने स्थापित किया, भारत सरकार ने स्थापित किया। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन और रिसर्च की बात करते हैं, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क की हम लोग बात कर रहे थे। यह
ईआर नेट भी कहते हैं। ईआर मतलब आपका एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क भी कहते हैं। यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क है। ये क्या है? ये भी कंप्यूटर नेटवर्क है जो देश के प्रमुख शैक्षणिक यानी एजुकेशनल व अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट को परस्पर क्या करता है? जोड़ता है, परस्पर जोड़ता है अर्थात कनेक्ट करता है। इसके अलावा यह देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य, हेल्थ, उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन, विज्ञान, साइंस तथा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी आदि में 1300 से अधिक संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहा है। मतलब ये 1300 से अधिक संस्थान अपनी सेवा दे रहा है। आगे है ओएसआई रेफरेंस मॉडल, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।